वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW का साल का पहला डायनामाइट शो AEW डायनामाइट शुरू होने वाला है। और गाइस, आज यहां पर AEW के साल के पहले डायनामाइट के ऊपर पॉसिबली AEW कंपनी पर कोई बड़ा डेब्यू होने वाला है। वेल वैसे तो इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि AEW के वर्ल्ड इन पेपरव्यू के ऊपर AEW के अंदर कोई डेब्यू होने वाला था, बट अब जबकि AEW के वर्ल्ड इन पर कोई भी डेब्यू नहीं हुआ है, तो गाइस इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि आज यहां पर AEW के साल के पहले डायनामाइट के ऊपर पॉसिबली टोनी खान किसी बड़े फ्री एजेंट को लाने वाले गए। और गाइस, क्योंकि WWE के साल के पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर रॉक जैसे बड़ा सुपरस्टार रिटर्न हुआ था, तो गाइस पॉसिबली AEW कंपनी काउंटर करने के लिए आज यहां पर किसी बड़े फ्री एजेंट को ला सकती है। और वैसे तो आज यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मोन के डेब्यू के रूमर चल रहे गए, बट गाइस मर्सिडीज मोन के अलावा इस समय रेसलिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे फ्री एजेंट है जिनको टोनी खान AEW पर डेब्यू करा सकते गए। और गाइस, सबसे बड़ा नाम जो AEW पर डेब्यू कर सकता है वो यहां पर गोल्डबर्ग होने वाले गए, जिन्होंने कुछ दिनों पहले उनके इंटरव्यू के अंदर AEW के अंदर उनके डेब्यू को लेकर बात की थी। बट गाइस, यहां पर फिलहाल गोल्डबर्ग से ज्यादा जिस रेसलर के डेब्यू करने के चांसेस लग रहे गए वो यहां पर WWE के सुपरस्टार डॉल्फ ज़िगलर है। वेल गाइस, डॉल्फ ज़िगलर के WWE से बाहर आने के बाद अभी तक ज़िगलर ने किसी भी कंपनी के ऊपर डेब्यू नहीं किया है। और गाइस, पॉसिबली कल AEW का डायनामाइट वो डायनामाइट हो सकता है जब डॉल्फ ज़िगलर फाइनली AEW पर डेब्यू करेंगे। बट गाइस, यहां पर डॉल्फ ज़िगलर के अलावा मुस्तफा अली, मैट रिडल सहित काफी सारे बड़े सुपरस्टार इस समय पूरी तरह से फ्री एजेंट है, और हो सकता है आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर या तो AEW किसी का भी डेब्यू ना कराए या फिर AEW कंपनी बैक टू बैक डॉल्फ ज़िगलर के साथ मुस्तफा अली और गोल्डबर्ग रेसलर्स का डेब्यू कराए। बट गाइस, यहां पर एक और ऐसा नाम है जो यहां पर डायनामाइट पर डेब्यू करने के लिए फ्री एजेंट है, और ये नाम WWE के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार रायबैक है। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रायबैक पिछले 7 सालों से पूरी तरह से फ्री एजेंट है, और आज तक रायबैक की किसी भी कंपनी को साइन ना करने के बाद मुझे यहां पर इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है कि टोनी खान रायबैक को साइन करेंगे। बट गाइस, अगर यहां पर कल रायबैक उनका डेब्यू करते गए तो ये यहां पर AEW कंपनी हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग डेब्यू होने वाला है। वेल, आपको क्या लगता है AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर AEW में कौन सा डेब्यू होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।